नमस्कार सुप्रभात गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों आपणे अगाउना वीडियो में 5-14 मैं मखीहू एना विषे चर्चा करी थी अने आजना आ वीडियो में आपणे धोरण 4 नंबर 2 अने तारीख छे 27/8/2020 गुरुवार तेमा आपणे जेम अगाउना वीडियो में वात करी थी के माटी के जीव जंतु छे અને આપણે હિન્દી અને ગુજરાતી બે ભાષામાં આપણે વાત સમજેલા છતાં આપણે એકવાર ગુજરાતીમાં એની પરિચય ચર્ચા કરી માટી કે કે છે મને કોણ નથી ઓળખતો હું દરેક જગ્યાએ તમને જોવા મળું છું અને જ્યાં ગંદકી વધારે હોય એ તો મારી પ્રિય જગ્યા છે અને ત્યાં હું તમને વધારે જોવા મળું છું અને ચોખ્ખા એમાં તો સ્વચ્છતાથી હું દૂર ભાગું છું ગંદી ચીજે એટલે કે ગંદી વસ્તુઓ મને ખૂબ જ પ્રેમ પ્યારી હોય છે પસંદ હોય છે અને એ ચીજો ઉપર બેસી અને એના જીવાણુ મારા પગે ચોટી અને ઘરની દરેક વસ્તુમાં હું જ્યાં પણ બેસું ત્યાં એ રોગોનો ફેલાવો કરું છું મારાથી બચવા માટે તમારે ઘર અને શેરી એ સાફ રાખવું પડે અને જો તમારે તમારા પરિવારને બીમારીથી દૂર રાખવો હશે તો મને તમે નજીક આવવા દેશો નહીં આપણે અગાઉના વિડીયોમાં આટલી ચર્ચા કરી હતી હવે આજના આ વિડીયોમાં આપણે એ પાઠ આધારિત અહીંયા આપણને હિન્દી શબ્દ આપેલા હશે એનું આપણે ગુજરાતીમાં એનો અર્થ લખવાનો છે તો બચ્ચો આજ કે વિડીયો મેં હમ કુછ શબ્દ દિયે ગયે હૈ ઉસકા ગુજરાતી અર્થ લિખેંગે પહેલા શબ્દ હૈ મક્કી पहला शब्द है मक्खी दूसरा है कौन उसके बाद है जगह उसके बाद है गंदगी उसके बाद है बीमारी और उसके बारे में भलाई बच्चों यहाँ आपको कुछ शब्द हिंदी में दिए गए हैं पहला शब्द है मक्खी दूसरा है कौन तीसरा है जगह चौथा है गंदगी पांचवा है बीमारी और नंबर छह है भलाई तो ये शब्द है जिसे हम गुजराती में क्या कहते हैं तो पहला शब्द है मक्खी जिसे हम गुजराती में कहते हैं माखी मक्खी એટલે માખી કોણ એટલે કોણ हम उसे गुजराती में कहते हैं कौन तीसरा शब्द है जगह जगह यानी जगह उसके बाद है गंदगी गंदगी यानी गंदगी अथवा तो गंदू कौन आप कहिए उसके बाद है बीमारी એટલે બીમાર થઈએ કે એટલે આપણે બીમાર જ થઈએ છે અથવા તો બીમારી પણ કરી શકીએ છે અને ભલાઈ એટલે એને કહેવાય ભલું ભલાઈ જેને આપણે કહેતે છે ભલું ઉસકે બાદ મે મુમલના મુમલના એટલે સીધી અથવા આપણે એને ફળિયું પણ કહી શકીએ છીએ તો બચ્ચો યહાં આપણે પહેલા પ્રશ્નને નિમ્નલિખિત હિન્દી શબ્દો કે પાસ ગુજરાતી શબ્દ લિખો એમાં પહેલા શબ્દ છે મક્ખી એટલે માખી કોણ એટલે કોણ જગત એટલે જગ્યા ગંદકી એટલે ગંદકી બીમારી हमारा
दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है मक्खी कहाँ पाई जाती है। बच्चों प्रश्न है मक्खी कहाँ पाई जाती है, जो मक्खी आपने क्या जुआ पड़े छे, तो उसका जवाब है कि मक्खी गंदी चीजों पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, तो मक्खी गंदी जगह पे पाई जाती है। मक्खी कहाँ पाई जाती है, तो मक्खी गंदी जगह पे पाई जाती है। दूसरा प्रश्न है मक्खी किससे दूर भागती है। मक्खी किससे दूर भागती है। मक्खी किससे दूर भागती है, कहते माखी सेना से दूर भागे छे, अथवा तो माखी सेना से दूर जाए छे, तो हम जवाब देखेंगे मक्खी सफाई से दूर भागती है। हमने अगले वीडियो में भी जो पाठ की संशोधित उसमें से ये प्रश्न के उत्तर है कि मक्खी सफाई से दूर भागती है। उसके बाद है गंदी चीजें किससे किसे ज्यादा पसंद है। गंदी चीजें किसे ज्यादा पसंद है, तो उत्तर लिखेंगे हम गंदी चीजें मक्खी को पसंद है। यहाँ आपको तीन प्रश्न है कि मक्खी कहाँ पाई जाती है, तो मक्खी गंदी जगह पे पाई जाती है। मक्खी किससे दूर भागती है, तो मक्खी सफाई से दूर भागती है। और तीसरा प्रश्न है गंदी चीजें किससे ज्यादा पसंद है, तो गंदी चीजें मक्खी को पसंद। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है रोगों के जनक कहाँ रखते हैं। रोगों के जनक कहाँ रहते हैं। रोगों के जनक कहाँ रहते हैं, जंतु गंदी चीजों पर रहते हैं। रोगों के जंतु गंदी चीजों पर ज्यादा रहते हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है किससे बचने किससे बचने में हमारी
balai કોનાથી બચવાના આપણી ભલાઈ છે તો બીમારીઓ છે બીમારીઓ છે બચને મે હમારી ભલાઈ बच्चों यहां आपको पांच प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। पहला प्रश्न है मक्खी कहां पाई जाती है, मक्खी क्या जोवा मरे छे, तो मक्खी गंदी जगह पे पाई जाती है, मक्खी गंदी जगह पे अपने जोवा मरे छे। दूसरा प्रश्न है मक्खी किससे दूर भागती है, मक्खी सेड़ा की दूर भागे छे, तो मक्खी सफाई से दूर भागती है, माटी सफाई से दूर रहे छे, दूर भागे छे। गंदी चीजें किसे ज्यादा पसंद है, गंदी वस्तु कोने वधारे पसंद छे, तो गंदी चीजें मक्खी को पसंद है, गंदी चीजो अथवा वस्तु माटी ने वधारे पसंद छे। रोगों के जंतु कहां जो विषय शिक्षक है उसे आपको भेजना है।